नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 11 सितंबर 2023 और हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक दीजिएगा, चैनल पर नहीं जुड़े चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। हिमाचल प्रदेश में बीते 24 घंटों में क्या कुछ घटा है उसकी जानकारी अपडेट हम आपके लिए लेकर आए हैं। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। 2.5 साल में हरित ऊर्जा राज्य बनेगा हिमाचल, हर जिले की 2 पंचायतों में पायलट आधार पर चलेंगे प्रोजेक्ट। प्रदेश सरकार ने राज्य को 31 मार्च 2026 तक हरित ऊर्जा राज्य के रूप में विकसित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पंचायती राज संस्थाओं के साथ ही आम जन की भागीदारी सुनिश्चित करने की दिशा में भी प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं। प्रदेश सरकार ने राज्य के प्रत्येक जिले में 2-2 ग्राम पंचायतों को पायलट आधार पर हरित पंचायत के रूप में विकसित करने की रूपरेखा तैयार की है। इन पंचायतों में 500 किलोवाट से 1 मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता की सौर ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित की जाएगी। हिमाचल प्रदेश ऊर्जा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के तहत इन परियोजनाओं की स्थापना के लिए 50 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। प्रदेश सरकार के उपक्रम हिमऊर्जा ने इसके दृष्टिगत ग्राम पंचायतें चिन्हित कर सौर ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित करने की प्रक्रिया आरम्भ कर दी है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने ई बस खरीद के लिए 50% की दर से अधिकतम 50 लाख रुपए तक का उपदान देने और निजी ई ट्रक की खरीद के लिए भी 50% की दर से अधिकतम 50 लाख रुपए का उपदान का प्रावधान किया है। चार्जिंग स्टेशन विकसित करने की दृष्टिगत प्रदेश सरकार एक बृहद नीति भी तैयार कर रही है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि राज्य सरकार प्रदेश को हरित ऊर्जा राज्य के रूप में विकसित करने के उद्देश्य से बहुआयामी प्रयास कर रही। प्रधानमंत्री से प्रदेश की बात करें, सांसद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने भाजपा सांसदों को लिखा पत्र। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने भाजपा के सांसदों को पत्र लिखा है। इस पत्र में हिमाचल में हुई त्रासदी को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की बात कही है। साथ ही लोकसभा के विशेष सत्र के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात का समय मांगने और उनसे हिमाचल की बात करने का आह्वान किया है। हिमाचल की इस बात में सभी सांसद एकजुट होकर प्रदेश की त्रासदी का साथ प्रधानमंत्री के समक्ष रखे। प्रतिभा सिंह ने राष्ट्रीय आपदा घोषित करने के बाद प्रदेश के लिए विशेष आर्थिक पैकेज दिलवाने में मदद करने की बात कही है। प्रतिभा सिंह ने पत्र में लिखा है कि प्रदेश में भारी बारिश और बाढ़ से हुए भूस्खलन की वजह से भारी जानमाल का नुकसान हुआ है। प्रदेश में एक और जहां करोड़ रुपए की चल और अचल संपत्ति को भारी नुकसान हुए, वहीं इस आपदा से जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। किन्नौर जिला के निगुलसरी में 3 दिन पूर्व हुए भारी भूस्खलन से अवरुद्ध हुए एनएच को बहाल करने के लिए अब भारतीय सेना की मदद ली जा रही है। 3 दिनों से प्रदेश सरकार के राष्ट्र बागवानी व जनजातीय विकास मंत्री जगत सिंह नेगी स्वयं मौके पर मौजूद रहकर सामंजस्य स्थापित कर कार्य को गति दे रहे हैं, ताकि अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को जोड़ने वाले इस सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण एनएच मार्ग को जल्द से जल्द बहाल किया जा सके। हिमाचल के 3 प्रोजेक्टों सहित देश को कल 90 परियोजनाएं सौंपेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मंगलवार को प्रदेश के सीमांत इलाकों में बीआरओ द्वारा निर्मित 90 बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का उद्घाटन कर राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इनमें हिमाचल की 3 परियोजनाएं भी शामिल है। इन 90 परियोजनाओं पर कुल 2,941 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। मंगलवार को यह समारोह जम्मू के देवक ब्रिज पर आयोजित किया जाएगा। यहीं से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इन सभी 90 परियोजनाओं का वर्चुअली उद्घाटन करेंगे। विधानसभा घेरेंगे जिला परिषद कर्मी, राज्य कार्यकारिणी की बैठक में संघ ने बनाई रणनीति। जिला परिषद कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ रणनीति तैयार कर ली है। रविवार को जिला परिषद कर्मचारी व अधिकारी महासंघ की राज्य कार्यकारिणी की बैठक हुई है। इस बैठक में निर्णय लिया गया कि जिला परिषद कर्मचारी व अधिकारी मानसून सत्र के दौरान विधानसभा का घेराव करेंगे। घेराव के दौरान सरकार की ओर से उनकी मांगों को लेकर कोई फैसला नहीं लिया जाता तो फिर आगामी रणनीति बनेगी। दरअसल जिला परिषद कर्मचारी व अधिकारी पिछले काफी समय से मांग उठा रहे कि इन कर्मचारियों को पंचायती राज विभाग में मर्जर किया जाए, लेकिन इन कर्मचारियों का अभी तक विभाग में मर्जर नहीं किया गया है। वहीं दूसरी ओर इन कर्मचारियों को सरकार की ओर से अब स्टेट कैडर में डाल दिया गया है। पीजीआई की तर्ज पर हमीरपुर में बनेगी एडवांस कैंसर केयर यूनिट, मरीजों को मिलेगी सुविधा।
प्रदेश सरकार ने हमीरपुर जिले में एडवांस कैंसर केयर यूनिट स्थापित करने का फैसला लिया है। स्वास्थ्य सेवाएं कॉरपोरेशन की ओर से इसके लिए जल्द ही टेंडर आमंत्रित किए जाएंगे। पीजीआई की तर्ज पर कैंसर केयर यूनिट में मशीनें स्थापित होगी। इसके स्थापित किए जाने से जहां कैंसर पीड़ित मरीजों को बेहतर चिकित्सा सुविधा मुहैया होगी, वहीं लोगों को इलाज के लिए भारी राज्यों का रुख नहीं करना पड़ेगा। देश में आधारभूत ढांचा और मशीनरियों पर करीब 50 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। सीएम ने हिमाचल में आई त्रासदी को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने का उठाया मामला। पीएम मोदी से मांगा विशेष राहत पैकेज। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने केंद्र सरकार से हिमाचल प्रदेश में आई त्रासदी को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने का मामला फिर उठाया है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से राज्य के लिए विशेष पैकेज देने की मांग की है। साथ ही प्रधानमंत्री को प्रदेश में भारी बारिश के कारण आई आपदा से हुए नुकसान के बारे में जानकारी भी दी है। मुख्यमंत्री ने शनिवार देर साय नई दिल्ली में प्रगति मैदान स्थित तो भारत मंडपम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा G20 शिखर सम्मेलन के अवसर पर आयोजित रात्रि भोज के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। मुख्यमंत्री ने बताया कि गत दो महीनों में भारी बारिश, भूस्खलन और बाढ़ के कारण प्रदेश को 12,000 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान हुआ है। 400 से अधिक लोगों ने अपनी जान गंवाई और 13,000 से अधिक घरों को नुकसान पहुंचा है, जिस कारण हजारों परिवार बेघर हो गए हैं। मुकेश अग्निहोत्री बोले, बाढ़ से मिले जख्मों को भरने का प्रयास कर रही है सरकार। हिमाचल प्रदेश में बाढ़ से हुई तबाही ने जो जख्म दी है, कांग्रेस सरकार उसको भरने का हर संभव प्रयास कर रही है। बाढ़ प्रभावितों को बसाने और राहत देने में सरकार लगी हुई है। ये बात ऊना में जारी बयान में उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कही है। उन्होंने कहा कि पहली बार प्रदेश सरकार ने आपदा से हुए नुकसान में राहत मैनुअल को बदला है और अधिक मुआवजा लोगों को पुनर्वास के लिए दिया जा रहा है। इस बड़ी आपदा में 360 से अधिक लोगों की जान गई, वहीं 12,000 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान हुआ है। बीड़बिलिंग के बाद शिमला भी पैराग्लाइडिंग के लिए तैयार। हिमाचल में बीड़बिलिंग के बाद शिमला भी पैराग्लाइडिंग के लिए जल्द प्रसिद्ध होगा। प्रदेश के अलग अलग स्थानों पर साहसिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश सरकार ने योजना बनाई है। इसी कड़ी में पैराग्लाइडिंग के जरिए देश विदेश से आने वाले पर्यटकों को आकर्षित किया जा सकता है। इसी के मद्देनजर शिमला के समीप जुंगा में पैराग्लाइडिंग साइट विकसित की गई है। इसके लिए आगामी दिनों में इस पैराग्लाइडिंग साइट की और पब्लिसिटी की जाएगी। आगामी अक्टूबर में शिमला में आयोजित होने वाले इंटरनेशनल फ्लाइंग फेस्टिवल की तैयारियां भी शुरू हो गई है। इसके लिए रेस मैदान पर दो दिनों से ट्रायल किया जा रहा है। जयराम ठाकुर बोले, हिमाचल के उद्योगों को बर्बाद कर रही है प्रदेश की कांग्रेस सरकार। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा बिजली के शुल्क में 1.5 गुना वृद्धि करके सरकार प्रदेश में चल रहे उद्योगों को बर्बाद करना चाह रही है। उन्होंने कहा कि बिजली के शुल्क सरकार ने अलग बढ़ाए, वहीं पिछली सरकार द्वारा प्रदेश में नए उद्योगों को लगाने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए सरकार द्वारा दी गई रियायत को भी वापस ले ली है। ये एक दुर्भाग्यपूर्ण और राजनीतिक बदले की भावना से लिया गया फैसला है। ऐसे चलता रहा तो प्रदेश में नए उद्योग आने की बजाय जो यहाँ काम कर रहे वे भी बाहर जाने को मजबूर हो जाएंगे। उच्च शिक्षा निदेशालय ने स्कूलों से बाल मित्र योजना की डिटेल जल्द भेजने के निर्देश दिए है। निदेशालय द्वारा बीते दिनों इसके लिए सभी जिला उपनिदेशकों को पत्र जारी कर दिशा निर्देश जारी कर दिए गए है। निर्देशों में कहा गया कि सभी स्कूल उपनिदेशकों को एक सप्ताह के अंदर विद्यार्थी बाल मित्र योजना के बारे में विस्तृत डिटेल दे। इसके बाद उपनिदेशकों द्वारा ये डिटेल कंपाइल करके निदेशालय को भेजी जाएगी। विस्तृत डिटेल के लिए निदेशालय द्वारा एक परफॉर्मा भी जारी किया गया। सभी स्कूलों से डिटेल मिलने के बाद निदेशालय में इस योजना को लेकर बैठक आयोजित की जाएगी। निदेशालय द्वारा जारी परफॉर्मा के अनुसार डिटेल देनी होगी। इसमें स्कूल का नाम, नोडल टीचर का नाम, कितने छात्रों ने योजना में भाग लिया और कितने पौधे इस दौरान रोपे गए, इन सब की जानकारी देनी होगी। वहीं पौधे कितने हेक्टेयर क्षेत्र में रोपे गए और कौन सी प्रजातियों के है, ये भी जानकारी देनी होगी। जियो लाइब्रेरियन भर्ती को इंतजार बढ़ा, 3 साल से नहीं बन पाए जूनियर ऑफिस असिस्टेंट भर्ती के नियम। शिक्षा विभाग में जूनियर ऑफिस असिस्टेंट लाइब्रेरियन भर्ती के लिए अभी और इंतजार करना पड़ सकता है। शिक्षा विभाग की पिछली बैठक में भर्ती नियम बनाने पर कोई सहमति नहीं बन पाई थी, वहीं अगली बैठक की तिथि फिलहाल तय नहीं हुई है। अगस्त माह में शिक्षा विभाग के अधिकारियों की इस संबंध में बैठक हुई थी। गौर हो कि प्रदेश में 3 वर्षों से जियो लाइब्रेरियन की RNP भर्ती नियम नहीं बन पाए है।
इसके चलते बीते लंबे समय से लाइब्रेरियन भर्ती प्रक्रिया लटकी हुई है। हिमाचल में बीएड की 8,500 सीटों पर फिर आठ की प्रवेश प्रक्रिया। हिमाचल प्रदेश के दो सरकारी समेत 75 बीएड कॉलेजों के लिए हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय एचपीयू की ओर से आयोजित की जाने वाली प्रवेश प्रक्रिया अनिश्चितकाल के लिए अटक गई है। पहले प्रवेश के लिए सरकारी रोस्टर का एक महीने तक इंतजार करना पड़ा, अब रोस्टर आया तो इसके अनुरूप विश्वविद्यालय की ईआरपी सिस्टम में बीएड प्रवेश और काउंसलिंग के लिए सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं हुआ है। सॉफ्टवेयर अपडेट होने के बाद ही विश्वविद्यालय प्रवेश के लिए श्रेणीवार मेरिट लिस्ट जारी कर पाएगा। सॉफ्टवेयर कब तक अपडेट होगा ये अधिकारी भी नहीं जानते हैं। विश्वविद्यालय के मुताबिक ईआरपी सिस्टम देख रही कंपनी को सॉफ्टवेयर जल्द से जल्द अपडेट करने के लिए कहा गया है। 75 बीएड कॉलेजों में करीब 8,500 सीटों के लिए प्रवेश प्रक्रिया होनी है। आमतौर पर बीएड के नए बैच के लिए प्रवेश प्रक्रिया सितंबर के पहले हफ्ते तक पूरी हो जाती थी, लेकिन इस बार प्रवेश प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाई है। इसकी मुख्य वजह अभी तक श्रेणीवार मेरिट लिस्ट जारी नहीं होना है। जल शक्ति विभाग को पंप ऑपरेटर और पैराफेटर को नौकरी देने के आदेश। हिमाचल हाईकोर्ट ने जल शक्ति विभाग के पंप ऑपरेटर और पैराफेटर को नौकरी देने के आदेश दिए है। न्यायाधीश संदीप शर्मा ने अपने आदेशों में कहा कि याचिकाकर्ताओं की भर्ती प्रक्रिया सरकार की ओर से लगाई रोक से पहले पूरी हो गई थी। अदालत ने ज्ञानचंद सोनलाल और पुलकित तंवर की याचिकाओं का निपटारा करते हुए आदेश दिया है। अदालत ने जल शक्ति विभाग के अधिशासी अभियंता आरकी को 2 पैरा पंप ऑपरेटर और 1 पैराफेटर को तुरंत प्रभाव से ज्वाइनिंग देने का आदेश दिया है। टैक्सी ऑपरेटरों की सरकार को 2 टूक 15 दिनों में मांगे नहीं मानी तो सीएम आवास के बाहर लगाएंगे तंबू। ऑल हिमाचल प्रदेश टैक्सी ऑपरेटर एवं ड्राइवर एसोसिएशन ने प्रदेश सरकार को 2 टूक चेतावनी दे डाली है कि अगर 15 दिन के भीतर हमारी मांगों और समस्याओं का समाधान नहीं निकाला तो सीएम आवास के सामने तंबू लगाकर भूख हड़ताल पर बैठ जाएंगे। ये रणनीति रविवार को सुंदरनगर के जवाहर पार्क में स्थित सामुदायिक भवन में आयोजित ऑल हिमाचल प्रदेश टैक्सी ऑपरेटर्स एवं ड्राइवर एसोसिएशन की राज्य स्तरीय बैठक में तय की गई है। बैठक ऑल हिमाचल प्रदेश टैक्सी ऑपरेटर्स एवं ड्राइवर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष राम रतन शर्मा की अध्यक्षता में हुई, जबकि प्रदेश अध्यक्ष ऑल हिमाचल आजाद टैक्सी ऑपरेटर्स सतपाल सिंह और हिमाचल प्रदेश टैक्सी हेल्पलाइन के प्रदेश अध्यक्ष राम शर्मा भी बैठक में विशेष रूप से उपस्थित रहे। राम रतन शर्मा ने कहा कि पिछली भाजपा सरकार के समय में भी बार बार अपनी मांगों को रखा गया लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। अब कांग्रेस की सरकार को बने 9 महीनों का समय बीत चुका है लेकिन आज दिन तक सरकार की तरफ से प्रदेश के टैक्सी ऑपरेटरों की मांगों के बारे में कोई निर्णय नहीं लिया गया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने चुनावों से पहले वायदा किया था कि सरकार बने के बाद टैक्सी ऑपरेटरों की 12 से 15 वर्ष राष्ट्रीय परमिट करने की मांग को शीघ्र पूरा किया जाएगा, लेकिन आज तक ये मांग पूरी नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि आपदा के समय 20,000 के करीब टैक्सियां अब खड़ी होने के कगार पर आ गई है। टैक्सी ऑपरेटर्स की मुख्य मांगे। टैक्सियों को ऑल इंडिया परमिट 12 साल से 15 साल किया जाए। जीपीएस से लोक स्तर पर चलने वाली छोटी गाड़ियों को छूट दी जाए। ऑनलाइन बल्ला बल्ला कार बुकिंग ऐप और निजी गाड़ियों को टैक्सी के रूप में प्रयोग करने पर रोक लगाई जाए तथा टोल बैरियर पर लोकल टैक्सी ऑपरेटरों को पास की सुविधा उपलब्ध करवाई जाए।